नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। कोर्ट 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को याची के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए इस पर जल्द ही सुनवाई किए जाने का आग्रह किया है। मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वार नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर ये याचिका सुहेल खान ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से कोर्ट में दी। याचिका के अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था। अब अध्यादेश संख्या 3 के माध्यम से नियम संशोधन कर नए नियम के तहत मंडल और जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। ये पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है। याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी ये कहते हुए चुनौती दी गई कि इसमें ओबीसी की राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। सिर्फ पुराने आंकड़ों को ही नए स्वरूप में पेश किया गया, जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण अध्यादेश के साथ ही आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के अनंतिम आरक्षण पर आई आपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही शुक्रवार देर रात तक जारी थी। अंतिम आरक्षण की अधिसूचना रविवार को जारी हो सकती है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 9 या 10 अप्रैल तक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। नगर विकास विभाग की ओर से निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी हुई थी। विभाग की ओर से अनंतिम आरक्षण पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई थी। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद के आरक्षक को लेकर 2000 से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं। विभाग की टीम ने प्रत्येक आपत्ति का अध्ययन कर उनके निस्तारण करने की कार्यवाही बृहस्पतिवार से ही शुरू कर दी थी। शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही। विभाग के सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद आरक्षण की आखिरी अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। रविवार को हर हाल में जारी करने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से आरक्षण पर जताई गई आपत्तियों को लेकर शुक्रवार को दिन भर नगर विकास विभाग में मशक्कत हुई। सपा की ओर से जताई गई प्रत्येक आपत्ति के निस्तारण के लिए विधिक राय ली गई। देर रात तक सपा के आपत्तियों के निस्तारण पर कार्यवाही चलती रही। नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य और जमानत राशि की सूचना जारी कर दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बस इस बाबत पत्र भेज दिया गया है। महापौर पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र मूल्य 1000 रुपये, जमानत राशि 12000 रुपये, पार्षद के लिए मूल्य 400 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद में सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र की कीमत 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये, SC ST महिला और OBC के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 125 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है। सदस्य के लिए इसी तरह सामान्य के लिए 100 रुपये, 2000 रुपये, SC ST महिला OBC के लिए 50 और 1000 रुपये तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के में इस बार प्रत्याशी ज्यादा खर्च कर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा दी है। पिछले चुनाव में नगर निगम महापौर पद पर चुनाव की खर्च की गई सीमा 25 लाख रुपए थी। इस बार नई सीमा तय की गई है। जिस निगम में 80 से ज्यादा वार्ड है वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपए और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। पार्षद 2.5 लाख के बजाय इस बार
3 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। इस तरह नगर पालिका में जहां 25 से 40 वार्ड है वहां अध्यक्ष उम्मीदवार पहले 6 लाख खर्च कर सकते थे, अब 9 लाख तक खर्च कर सकेंगे। 41 से 55 वार्ड की नगर पालिका में दावेदार 8 लाख के बजाय 12 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। सभासद 1.5 की बजाय 2 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी अधिकतम खर्च सीमा 1.5 से बढ़कर 2 लाख रुपए, जबकि सदस्य के लिए 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।